वाह वाह, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है, और करो। काम कुछ करना नहीं है, लेकिन इनको मजे पूरे चाहिए, और करो। कुछ कहा? कुछ नहीं महाराज, ये तो मिट्टी का गाना है, मिट्टी बचाओ अभियान, सेव सॉइल मूवमेंट। अच्छा अच्छा, हम समझ गए। क्या है ये? ये मिट्टी बचाओ अभियान है महाराज, दुनिया भर में मिट्टी में जान फूंकने और उसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। और आपकी जानकारी के बिना अभियान कैसे चलाया जा सकता है? आपकी जानकारी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। हिल भी नहीं सकता, क्योंकि हमने सारे पेड़ कटवा दिए हैं, अब चारों तरफ खुला मैदान। उसी से तो समस्या होती जा रही है महाराज, पूरी दुनिया में मिट्टी की सेहत बिगड़ती जा रही है, दुनिया भर में मिट्टी बेजान और बंजर होती जा रही है। तुम्हें कैसे पता कि मिट्टी बेजान और बंजर हो गई है? हम भी तो ऐसे घूमते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा कि मिट्टी बेजान हो गई है। माफ करें महाराज, लेकिन आप गर्दन ऐसे करके घूमते हैं, कभी नीचे देखिए तो सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। मिट्टी में जैविक पदार्थ अगर 3% से कम है तो वो खेती के लायक नहीं रह जाती। भारत की 62% मिट्टी में जैविक पदार्थ 0.5% से भी कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊपर की 50% मिट्टी गायब हो चुकी है। मिट्टी में ऊपर के 12 इंचों में सबसे ज्यादा जैविक पदार्थ होता है। यूरोप की 75% मिट्टी में जैविक पदार्थ 2% से भी कम है। 2030 तक अफ्रीका की 2/3 खेती की जमीन खेती के लायक नहीं रह जाएगी। धरती पर खेती की 52% मिट्टी अब खेती के लायक नहीं रह गई है और 2050 तक 90% खेती की मिट्टी खेती के लायक नहीं रह जाएगी। इसलिए मिट्टी बचाना बहुत जरूरी है। Tell me, वीरू, what is जैविक पदार्थ in English? Organic content, महाराज। अंग्रेजी में बताओ। अंग्रेजी में यही है महाराज, और आपकी अंग्रेजी में भी जाने दीजिए। तो हिंदी में समझाओ। जी महाराज। मिट्टी में पेड़ पौधों के पत्ते, छाल, टहनियों, फल फूल वगैरह के गिरने से या जानवरों के गोबर मिलने से जैविक पदार्थ बनता है। जैविक पदार्थ ही मिट्टी को जीवित रखता है। और आपको पता है महाराज, जैविक पदार्थ को ह्यूमस भी कहते हैं। ह्यूमन शब्द भी ना ह्यूमस से ही बना है, मतलब ह्यूमन बॉडी भी मिट्टी की ही है महाराज। हम नहीं है, हमारी मिट्टी अलग है, हम किसी और मिट्टी से बने। आई एम नॉट ह्यूमन। इसीलिए तो हम आपसे मदद मांग रहे हैं महाराज। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी उम्र हो गई है। कुछ भी महाराज, अरे अभी तो आप एकदम चरहरे नौजवान हैं, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है? पिछली बार याद है 100 थी। वो आपका वजन था महाराज। अच्छा ये बताओ कि मिट्टी बचाने से क्या होगा? पानी बचाओ, पर्यावरण बचाओ। महाराज मिट्टी ठीक होगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। आज पूरी दुनिया जिन गंभीर समस्याओं से जूझ रही है ना, मिट्टी बचाना ही इन समस्याओं का हल है महाराज। अगर मिट्टी अच्छी है तो धरती पर कभी भोजन की कमी नहीं होगी। भोजन में पोषक तत्वों की कमी से दुनिया में 2 अरब लोग पीड़ित हैं। अच्छी मिट्टी के बिना पोषण ठीक से नहीं होगा। अच्छी मिट्टी बारिश के पानी को सोख लेती है, जिससे कभी पानी की कमी नहीं होगी। अच्छी मिट्टी वातावरण में मौजूद कार्बन को सोख लेती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या सुलझ जाएगी। अच्छी मिट्टी में बायोडायवर्सिटी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी, तब किसान आत्महत्या नहीं करेंगे, तब खूब फसल होगी, किसानों की आय बढ़ेगी और वो खुश रहेंगे। अच्छा तो अब हम समझ गए कि मिट्टी बचाने से ये सब होगा, लेकिन हम तो मछली खाते हैं। कितने समझदार हैं महाराज आप। लेकिन महाराज इससे तो सिर्फ आपकी समस्या हल होगी, बाकी 7 अरब लोगों का क्या करें, उनके बारे में तो सोचिए। कोई हमें बताता क्यों नहीं है कि इतने सारे लोग पैदा हो गए हैं, इसमें हमारे कितने हैं?
महाराज कैसी बात कर रहे हैं आप महाराज हैं, सब आप ही के तो हैं। अच्छा थैंक यू। तो हमें अपने सर तरफ बच्चों से क्या कहना है? हमारा ये शरीर मिट्टी है, मेरा शरीर, आपका शरीर, सबका शरीर, बस मिट्टी का शरीर है। आप सब भी इसमें अपना योगदान दीजिए, ट्विटर इंस्टाग्राम के माध्यम से सोशल मीडिया पे जाके सेव सॉइल मूवमेंट को फॉलो कीजिए और हर दिन बस 10 मिनट का समय निकालिए। क्यों महाराज? क्यों नहीं करेंगे, सब करेंगे। होशियार, सोशल मीडिया पे जाके सेव सॉइल अभियान फॉलो करना है, सब फॉलो करेंगे और हम डांस करेंगे। मिट्टी बचाने के लिए सद्गुरु 21 मार्च को अकेले मोटरसाइकिल से 30,000 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं। इस 100 दिन की यात्रा में सद्गुरु अलग अलग देशों में जाकर वहां की सरकारों और लोगों से मिल रहे हैं। सभी देशों ने मिट्टी बचाओ अभियान का खुले दिल से स्वागत किया है। इसका उद्देश्य जन समर्थन जुटाकर 192 देशों की सरकारों से मिट्टी और पर्यावरण में जान फूंकने वाली एक पॉलिसी बनाने की मांग करना है। जैसी मिट्टी हमें पिछली पीढ़ियों से मिली है, आइए उतनी ही अच्छी मिट्टी आने वाली पीढ़ियों को भेंट करें।